दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल भी हंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पुरुषों के लिए जरूरी पोषक तत्व है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि पुरुषों के लिए वो कौन कौन से जरूरी पोषक तत्व हैं जो उनके लिए लेना आवश्यक है। दोस्तों औरतों के और पुरुषों की ज़रूरतें अलग अलग होती है। जो ज़रूरतें औरतों को होती है वो ज़रूरतें हो सकता है पुरुष को ना हो। जो पुरुष को औरत जरूरी है पोषक तत्व हो सकता है वो औरतों के लिए नहीं हो। तो पुरुषों में ऐसी कुछ खास बातें हैं कि इनके लिए कुछ ज़रूरी पोषक तत्व आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी सारी बातें समझ पाएंगे। और दोस्तों नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, ज़रूर यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, घंटी दबाना ताकि आने हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है पुरुषों के लिए खासकर। दोस्तों पहले नंबर में आता है जिंक। जिंक पुरुषों के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है। जिंक की कमी से उनके अंदर उत्साह, जोश और खरोश की कमी हो जाती है। तो जिंक की प्राप्ति आप जिंक की टेबलेट से ले सकते हैं या डेली अंडे खा के ले सकते हैं। इसके आता है कैल्शियम की कमी। दोस्तों कैल्शियम पुरुषों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि धातु कमी को पूरा कैल्शियम ही करता है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप दूध, पनीर, मटर, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें, काजू आप ले सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बिना पुरुष बेजान हो जाता है और थका थका सा महसूस करता है, हमेशा हरासमेंट महसूस करता है, उसके अंदर इम्यूनिटी कमी हो जाती है। तो विटामिन बी 12 की पूर्ति के लिए उसे ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, गाजर का सेवन करना चाहिए। और लास्ट में बता रहा हूँ मैं छुहारा। छुहारा लाएं, पानी भिगो दें, 4-5 छुहारा सुबह खाली पेट छुहारा खा लें। यह विटामिन बी 12 की पूर्ति करने का सबसे आसान और सस्ता और सबसे बढ़िया तरीका है। समझ गए? तो आप लोग इस चीज़ की पर ध्यान दें जो मैं बताया, और यह बहुत ज़रूरी है पुरुषों के लिए। उनके अंदर जोश और खरोश उत्साह की बरकरार रखता है। और आप इसको लो पालन करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, खासकर वैवाहिक जीवन में। समझ गए? तो यदि आप लोग मेरा सलाह अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।